गाइस, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इन दो रोटी को खाकर 20 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन पूरा कर सकते हो? क्या बात है? अगर नहीं सोचा था तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि इन रोटी में ऐसा क्या है जिससे आप 20 ग्राम से ऊपर प्रोटीन पूरा कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स। सो दोस्तों, अगर आप घर पर चपाती खाते हो लंच में या फिर डिनर में, तो अगर आप दो चपाती भी दिन में खाते हो तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम, 5 ग्राम? क्या तुम लोग को और चाहिए? नहीं नहीं बस इतना ही है। क्यों ना ऐसा हो कि अगर आप सिर्फ दो चपाती खाओ और उसमें आपको 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिले तो वो कितना सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे दो चपाती बना सकते हो जिसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो, साथ में आप पनीर खाते हो 100 ग्राम तक, तो उसके साथ अगर आप ये चपाती खाओगे दो, तो आपको कम से कम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा इस मील में। वाह 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 वाह। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 24 मंत्रा ऑर्गेनिक का सत्तू आटा। जैसे कि आपने YouTube में काफ़ी वीडियोस देखी होंगी सत्तू के रिलेटेड, कि सत्तू कोई स्मूदीज बना रहा है, कोई पानी में मिलाकर पी रहा है, लेकिन मैंने कोई नया एक नया कंसेप्ट सोचा जिसमें मैं बनाऊंगा सत्तू आटा से दो रोटी। तो इसमें हमने टोटल 100 ग्राम सत्तू लिया है जिससे हम दो रोटी बनाएंगे। और इसके जैसे कि आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, इसमें आपको 100 ग्राम सत्तू आटा में मिलेगा 21 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स आपको मिलेंगे 63 ग्राम और फैट आपको मिलेगा 5 ग्राम। तो जो ये प्रोडक्ट है ये काफ़ी सही है। अगर आप 100 ग्राम सत्तू आटा लोगे तो इससे आप दो चपाती बना सकते हो जिसमें आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो, चपाती के साथ अगर आप 100 ग्राम पनीर भी लेते हो तो 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आपको एक मील में मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अगर आप इन दो चपाती के साथ नॉन वेज लेते हो, चिकन लेते हो, तब भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को ये। सो गाइस, मैंने इसको 100 ग्राम लिया था सत्तू का आटा और इससे मैंने ये दो चपाती बनाई है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आप चपाती नहीं बना सकते हो तो इसको आप एज ए पानी में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक दूध में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर जैगरी डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के दूध में मिलाकर भी पी सकते हो। लेकिन मैंने इसकी दो चपाती बनाई है जिसको मैं अभी खाऊंगा। और साथ में अगर आप भी इसको लेना चाहते हो तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों जगह से ले सकते हो। अगर आपके मार्केट में आसपास अवेलेबल है तो वहाँ से ले लो, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हो। और जो इसका प्राइस है वो है 95 रुपीज़, आधे किलो की पैकिंग है ये 500 ग्राम की, और 95 रुपीज़ की आपको ये पैकिंग पड़ेगी। तो इस सत्तू आटा को ज़रूर ट्राई करना और मेरे को बताना कि चपाती बनाकर आपको कैसी लगी। और गाइस, मैं एक बार दोबारा आपको बोलूँगा कि इसमें आपको 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम में, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।